ये नहीं आ रहा है कि तू काजल बिटिया को लेकर जा कहाँ रही है। मैं आपकी नन्ही मुन्नी काजल बिटिया को ऊटी लेकर जा रही हूँ। ऊटी? ये ऊटी जाने का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? वो इसलिए कि मेरे डैडी मेरी शादी करना चाह रहे हैं और इस वक्त मैं शादी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और चाचा जी आपकी इन बातों में हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। काजल तू क्या करिए यार, जल्दी कर, पैकिंग करती जा रही है तू, जल्दी कर यार, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय चाचा जी, चाचा जी, सी यू, बाय। अरे संभल के जाना काजल बेटिया, अपना ख्याल रखना। उठी गई है ना, होनुलुलु तो नहीं? तू फिक्र मत कर, मैं अजय को फौरन ऊटी भेज देता हूँ। एक मिनट, एक तो आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी, उसके ऊपर आप कहते हैं कि मैं ऊटी जाऊं लड़की देखने। इम्पॉसिबल, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं ये शादी करवा के रहूंगा। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। अपने बाप की नाफरमानी करता है वो भी उस बाप के साथ जिसने अपने हाथों से तेरी गंदी चड्डियां धोई है, जिसने खुद गधा बनकर है, मेरा मतलब है घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर तुझे खिलाया है। अरे ऐसे बाप की तो पूजा करनी चाहिए, पूजा। अबे तू नहीं जानता मेरे बाप को। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बाप को। हाँ। तेरा बाप जलील हो सकता है, कमीना हो सकता है, लेकिन खुदगर्ज नहीं हो सकता। हाँ, करेक्ट। अजय तू चुपचाप अपने बाप की बात मान। हाँ। और जाने की तैयारी कर। चलो यार तू बात समझ। अंकल आप बूटी का एक और टिकट बुक कराइए। क्यों? क्योंकि मैं साथ जाऊंगा। किस लिए? अरे अगर एयरपोर्ट से भाग गया तो कोई होना चाहिए पकड़ने के लिए। करेक्ट, मैं अभी ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ। डैडी मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। अबे साले तू जानता मैं काजल से प्यार करता हूँ और तू रुक यार, मैं तुझे बचाने आया हूँ साला, तू मेरे को ही मार रहा है। ये बचाने आया? अरे मेरी बात तो सुन, जिस लड़की के साथ तेरे बाप ने तेरी शादी तय की है वो वही फूलन देवी है, शॉपिंग मार्केट वाली। तो उससे मिलने मैं वहां क्यों जाऊं? अरे तेरी काजल भी उसी के साथ उठी गई है। अच्छा? हाँ। तू काजल के साथ इश्क लड़ाना और मैं उस छिपकली की दुम खींचूंगा। वाओ। I'm fed up with my dad. मेरे हजार मना करने पर भी वो किसी लड़के को भेज रहे मुझे देखने के लिए। अब ठीक है ना मधु, वो आ रहे तो उसे देख ही ले, लेकिन तू उसे पहचानेगी कैसे? डैडी ने कहा है उसके हाथ में एक लाल गुलाब होगा। क्या डैडी ने इस लंगूर को पसंद किया मेरे लिए? अरे जल्दी चला जाए, उस गंजे की बेटी हमारे इंतजार में सूख रही होगी। और उसका लफंटर दोस्त भी आया साथ में। यार हद हो गई शराफत की, उस अनारकली का तो कोई पता ही नहीं जो हमें लेने आने वाली थी। लेकिन उस टकलू ने तो कहा था कि हाथ में गुलाब देखते ही दौड़ी चली आएगी। एक्सक्यूज मी। यस। मैं ही वो मधु हूँ जिसे देखने आप ऊटी आए हैं। ओहो, तो आप हैं गुले गुलजार, मौसम है बहार, चेहरे पर है गुस्सा, दिल में है प्यार, आ गले लग जा मेरे यार। अजय क्या नाटक है ये सब? अभी चुप रहो, सब बाद में बताता हूँ। छोड़ दे मुझे। अरे हम अपनी होने वाली बीवी के गले लग रहे हैं, किसी के बाप का क्या जाता है, गले लग जा मेनू कुड़िए। अरे ठंड पै गई कलेजे में, तेनु चप्पी पाके यार। लाइफ सेट होगी। क्या हुआ, क्या हुआ? लगता कोई खटमल घुस गया मेरे पैंट में। अच्छा, घर चल के देख लेना। चले चले चलो। अरे चलिए आ जाए। वेलकम शाह, वेलकम वेलकम। बहादुर साहब लोगों को ऊपर पहुंचा दो। नहीं मेरा मतलब है ऊपर पहाड़ वाले घर पे पहुंचा दो। आप लोग चलिए, हम लोग दूसरी गाड़ी में फॉलो करेंगे। आइए साहब, आइए। मैं भी उनके साथ जाऊं? चुप कर, तू मेरे साथ चलेगी। बहादुर जी साहब, हमको ऊटी पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? वो साहब 3-4 घंटे तो लग ही जाएगा साहब। बंदर है? साला ये तो जेम्स बॉन्ड की औलाद लगता है। वो जी साहब, वो मेरा जोरू का वो बोला भाई है, मैं कोई भी लफड़ाबाजी नहीं करे ना, इसीलिए साहब 24 घंटा मेरे पे नजर रखता है। चल आगे जाके बैठ। सारा पीछे बैठ जा, बैठे जा, बैठे जा। चल जा बच्चू, ये तेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। ड्राइवर साहब आगे किसी फूल की दुकान पर गाड़ी रोक देना, मुझे अपनी महबूबा के लिए फूल खरीदने हैं। गाड़ी तो नहीं रुक सकती साहब। क्यों, गाड़ी क्यों नहीं रुक सकती? गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ब्रेक ब्रेक नहीं है, नहीं है। क्या ब्रेक नहीं है? तो हम उतरेंगे कैसे? हम बता दें साहब। Ah!
अरे यार तूने हमारी जान बचा ली यार। अरे तू बंदर नहीं, भगवान है भगवान। जाके सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं उधर नहीं जाएगा मेम साहब, मैं इधर ही सोएगा। क्यों? क्या है मेम साहब, जो लोग पहाड़ से गिर के मरता है ना मेम साहब, वो लोग भूत बन जाता है। उसका आत्मा जो है ना मेम साहब, इधर उधर भटकता रहता है। हमको मुझसे बहुत डर लगता है मेम साहब, बहुत डर लगता है। हमको इधर ही सोना था मेम साहब, प्लीज मेम साहब। ठीक है, तुम यहीं बस सो जाओ। थैंक यू मेम साहब, थैंक यू। हे भगवान। बहादुर, बहादुर, मुझे रोकने की कोशिश मत कर, प्लीज मुझे जाने दे। लेकिन तू इस तरह नाराज होके जा रहा है राजा, बात तो सुन। अजय प्लीज मुझे जाने दे, मत रोक मुझे। सॉरी। सुना नहीं तुमने मैंने सॉरी कहा? मेरा बैग छोड़ो,
जब तक माफ नहीं करोगे मैं बैग नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा मेरा बैग छोड़ो। अरे बड़े खुश नसीब है भैया, जब बीबी तुमसे माफी मांगती है। हमारी शादी को 40 साल हो गए, जब बीबी से झगड़ा होता है उल्टा हमको ही माफी मांगनी पड़ती है। क्या बोला बड़ा? मैंने कहा मेरा बैग छोड़ो। तुम बैग छोड़ती हो या नहीं? नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ो। देखा माफी नहीं देने का अंजाम। ये कौन सा था जाम जो तूने पिला दिया, इस सिर फिरे का सारा सिस्टम हिला दिया। अरे बाबा शुक्रिया शुक्रिया।